नमस्कार, मैं विद्या, अनुष्का किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी है सेहत से भरी और स्वाद से पूरी मिक्स दाल विथ पालक डोसा। बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है अब हम देखेंगे। डोसा बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम हरी मूंग की दाल ली है, आप देख सकते हैं। 100 ग्राम उड़द की दाल, 50 ग्राम चने की दाल, 50 ग्राम चावल, 6 से 7 हरी मिर्च। आपको अगर तीखा पसंद है तो आप और भी ले सकते हैं या कम कर सकते हैं। अदरक 1 इंच, स्वाद अनुसार नमक, ज़रूरत के अनुसार तेल। 1 कप मैंने धनिया पत्ता लिया है, धनिया पत्ता मैंने अक्का अक्का डंठल के साथ ही लिया है। और 1 गड्डी पालक को मैंने धो के रखा है, वो पालक भी मैंने डंठल के साथ ही ली है। सबसे पहले ये चारों चीज़ें हमें भिगो के रखनी है, सब मैं एक साथ इसे मिला लूँगी और 4 से 5 घंटे के लिए मैं इसे भीगने रखूँगी। मैंने पहले से ही सब दालें भिगो के रखी थी ताकि हमें सुविधा पड़े। ये सब मैंने मिक्स करके 5 घंटे तक भिगो के रखा था, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से सब दालें फूल के आई हैं। अब हम इसे पीसेंगे। एक मिक्सर जार में मैं अदरक और हरी मिर्च डाल रही हूँ, धनिया पत्ता और पालक। अब हमें इसे पीस लेना है, पेस्ट बना लेनी है। मैंने पालक को पीस लिया है, अब हम दालें पीसेंगे। उसी जार में मैंने अभी दाल डाल दी है इसमें। अब दाल को भी हमें महीन पीसना है, आप देख सकते हैं दाल भी मैंने पीस ली है सब। अब ये मिश्रण को मैं पालक के प्यूरी में मिक्स करूँगी। स्वाद अनुसार नमक देंगे, मिला लेंगे और ये हमारा डोसे का बैटर तैयार हो चुका है। कितना सुंदर कलर दिख रहा है, अच्छे से मिला लें। मैंने पैन को गरम करने रख दिया है। पैन के गरम होते ही अब हम डोसा बनाएंगे। थोड़ा सा तेल, आप तेल दे सकते हैं, बटर दे सकते हैं। ढक्कन रख के पकाएंगे। एक 1.5 मिनट हो चुके हैं, 1.5 मिनट तक मैंने डोसे को पकाया है। हमारा डोसा बन के तैयार है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही सुंदर दिख रहा है हमारा डोसा। वाव, बहुत ही सुंदर। इसी तरह से हम सारे डोसे बना लेंगे। और कुछ मिनट के लिए डोसा रख सकते हैं, उस कारण डोसा बहुत ही क्रिस्पी होगा। हमारे डोसे बनके तैयार है। स्वाद और सेहत से भरा ये डोसा आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल अनुष्का किचन को सब्सक्राइब करें। और मेरा जो दूसरा चैनल है जानना ज़रूरी है, उसे भी आप देख लें। तब तक के लिए खाते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।